हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम यहां पर डेली वीडियोस बनाते हैं और आपको ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड यहां पर आपको बताया जाता है, बट ब्रेकआउट स्टॉक का मतलब ये नहीं है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे, कुछ स्टॉक ऐसे भी हो सकते हैं कि ब्रेकआउट देने के बाद और आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज वेल एज यहाँ पर पोजिशनल, तीनों यहाँ पर चीजें इसमें कवर ऊपर होती हुई नजर आती है। तो उसे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर अलग अलग वीडियोज बनाई जाती है, दो वीडियो आज की डेट में आ गई है जहाँ पर पोजिशनल टारगेट, यहाँ पर एक और स्टॉक है उससे रिलेटेड, और कल यहाँ पर रेनू का दिया था 20%, 4 दिन पहले 7 दिन पहले एक स्टॉक दिया था BLS इंटरनेशनल 40%। इस तरीके के रिटर्न आपको कुछ कुछ दिन में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही रहिए, सीखिए, देखिए, और यहाँ पर जितना आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सीखेंगे, शेयर करेंगे, तो यहाँ पर आपकी नॉलेज बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना, और जितना हो सके हमें यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश करें। आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, और ये पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी का व्यू देखेंगे कि निफ्टी क्या कह रही है। ओके, यहाँ पर स्मॉल कैप क्या कह रहा है, मिड कैप क्या कह रहा है, यहाँ पर सब चीज से रिलेटेड। यहाँ पर कल वीडियो बनाई थी, परसों वीडियो बनाई थी, आपको बता दिया था निफ्टी 50 गिरती हुई और स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एज इट इज यहाँ पर 2 दिन से होता हुआ नजर आ रहा है। हम निफ्टी 50 देखते हैं तो निफ्टी 50 यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि यहाँ पर लेवल की बात की गई है कि यहाँ पर एक ऊपर के यहाँ पर इस रेंज में फंसी हुई है यहाँ पर, और नीचे में यहाँ पर बात करें, अब इसने यहाँ पर एक रेंज बना ली है इधर से लेके इधर तक, 17,000 से लेके इसने यहाँ पर 18,000 यहाँ पर बात 18,000, 17 से 18,000, 1,000 पॉइंट में यहाँ पर ये निफ्टी फंसी हुई है काफी टाइम से। यहाँ पर FIs की सेलिंग की भी बात करें तो यहाँ पर FIs, DIs की लगातार यहाँ पर सेलिंग होती हुई नजर आ रही है। आज भी मार्केट दोपहर में गिरती हुई नजर आई, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखिए 5,000 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है, इसलिए यहाँ पर दोबारा सेल आती हुई नजर आई। और यहाँ पर फेड की मीटिंग मिनट आने वाले हैं, एज वेल एज यहाँ पर RBI की कल पॉलिसी भी है, वो भी यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर सब चीज आने वाली है इस वजह से। और फिर आज यहाँ पर वीकली एक्सपायरी भी थी, तो तीन एक साथ ही चीजें आती हुई दिखाई दी, तो यहाँ पर और गिरावट होती है दिखाई दी, लगभग 1% के लगभग इंडेक्स यहाँ पर निफ्टी 50 गिरता हुआ नजर आया। ऊपर का लेवल जब तक ये इस लेवल को नहीं निकालेगा, याद रखिए, तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला। और नीचे के लेवल पे यहाँ पर मुझे अब यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है 17,000 रुपए, 17,500 के आसपास, यहाँ पर 17,400 के आसपास का एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है। ऊपर के लेवल पे यहाँ पर 18,000, जब तक इन दोनों लेवल में या तो नीचे ना जाए या ऊपर ना जाए, इसी लेवल पे यहाँ पर फंसती हुई चीजें नजर आती है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, निफ्टी बैंक में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई। ओके, निफ्टी बैंक तो वैसे भी नहीं भागा था, निफ्टी बैंक में जंप के पीछे आपको पता ही है क्या रीजन था। अब यहाँ पर नीचे गिरने के बाद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी, यहाँ पर फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, इसी तरीके का आज यहाँ पर खेल हो रहा था। और यहाँ पर चीजें यहाँ पर इसने एक नीचे की तरफ आता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। कल के डेट में क्या होगा वो यहाँ पर देखा जाएगा। कल की डेट में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मार्केट भागती हुई दिखाई दे सकती है। निफ्टी बैंक पे यहाँ पर थोड़ा बुलिश रही है, निफ्टी 50 की नहीं कह रहा हूँ, निफ्टी बैंक यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी बैंक की तरफ ध्यान दीजिए। ऊपर का लेवल जब तक ये नहीं निकालेगा तब तक यहाँ पर कोई यहाँ पर बाइंग अच्छी खासी यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हो रहा, फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पर ही होता हुआ नजर आएगा। नीचे का लेवल की अगर बात करें जो आज इसने यहाँ पर लो बनाया है, ओके, यही लो यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा। 37,557 को, सॉरी 37,346 को अगर इसने क्रॉस किया नीचे के साइड, तो याद रखिए जो गिरावट होती हुई नजर आएगी, जो इसे शायद यहां तक ड्रैग कर सकती है नीचे नीचे के लेवल 36,300 तक, या फिर यहाँ पर इस लेवल तक यहाँ पर इसे ट्रैक कर सकती है 36,800 के आसपास। तो इन लेवल को आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। ओके, निफ्टी मिड कैप में आपको चीजें समझ में आएगी कि निफ्टी मिड कैप किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी तेजी है, बट आज की डेट में जो ये कैंडल बनी है मिड कैप की, ओके, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर ये अब थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ सकता है। एक बेहतरीन सब यहाँ पर इसने एक बेहतरीन सपोर्ट लिया है। ओके, ये सपोर्ट बेहतरीन सपोर्ट है इसका, बट अगर इस सपोर्ट को ये कल यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो इसमें एक गिरावट होती हुई नजर आएगी, जो इसे यहाँ पर सीधे यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर नीचे के लेवल को ड्राइव करके यहाँ पर
30,300 के लेवल तक यहाँ पर ट्रैक करके ले जाएगी, और अगर उधर उस लेवल को भी यहाँ पर इसने गिराया तो सीधे यहाँ पर ये इस लेवल को 29,625 तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पर ये लेवल है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से संभल जाती है तो यहाँ से एक ब्रेक इस लेवल को निकालना जरूरी है, जो आज का इसका हाई था 31,401 का, इसे यहाँ पर निकाला तो सीधे यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। बट यहाँ पर से मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर ऊपर जा सकती है। तो निफ्टी मिड कैप में थोड़ा कैश रेज करिए, ओके, अपना जितना कैश रेज करेंगे उतना फ्यूचर आगे जब मार्केट गिरेगी तो बाइंग करेंगे तो एक फायदा होता हुआ दिखाई देगा। मैंने आज की डेट में काफी सारे शेयर यहाँ पर इसलिए सेल भी किए हैं, तो इसलिए इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी सेम इसी तरीके का कुछ होता हुआ नजर आया है। एक मिनट, निफ्टी स्मॉल कैप यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, सेम एज इट इज ये ऊपर की तरफ गया, और फिर यहाँ पर जो कैंडल बनाई है इसने, ये रेड कैंडल है, ये मोस्टली बताती है कि यहाँ पर चीजें नीचे आ रही है। बट इसने जो सपोर्ट लिया है, एक बेहतरीन सपोर्ट लिया है, अगर ये इस लेवल को निकाल देती है और अपना आज का लो 1809 1809 को यहाँ पर क्रॉस करती है तो चीजें सीधे नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इसे यहाँ तक 10,700 एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूँ, 10,672 10,672 तक लेके जाएगी। और अगर इसलिए भी तोड़ देता है तो फिर चीजें यहाँ पर नीचे और भी ज्यादा नीचे आ सकती है, और 10,332 तक भी चीजें आती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की, कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, जितना हो सके सपोर्ट करिए यहाँ पर, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, अगर कोई क्वेरीज है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए। तो कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर एक स्टॉक से रिलेटेड, BDL, भारत डायनामिक्स की यहां पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। ओके, आज की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये इस लेवल को यहाँ पर इस लेवल को सपोर्ट मान के, मतलब यहाँ पर ये स्टॉप लॉस कभी भी अब जब प्ले करेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट को स्टॉप लॉस मानेंगे, और जो लो 560 का है उसे यहाँ पर स्टॉप लॉस मांग के अगर आप काम करेंगे तो ऊपर के लेवल को आज निकाल देता है 628 को, तो याद रखिए और यहाँ पर तेजी हो सकती है और यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, और RSI कह भी रही है कि यहाँ पर हाँ ऊपर जा सकता है स्टॉक, तो BDL की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है फिनोलेक्स केबल। फिनोलेक्स केबल की तरफ भी ध्यान दीजिए, फिनोलेक्स केबल एक बेहतरीन ब्रेकआउट पे यहाँ पर खड़ा हुआ है, चीजें ऊपर गई, ऊपर जाके यहाँ पर नीचे आया और एक डॉजी कैंडल टाइप में यहाँ पर बनाता हुआ नजर आया है। ये अगर ये इसका जो ये इसका आज का हाई था 429, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक और बार देख लेते हैं, 430 का जो प्रीवियस इसका हाई था, अगर इसे निकाल देता है तो एक इसमें रैली हो सकती है जो इसे यहाँ तक अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर लेके जा सकती है। तो 430 को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अगर 430 को क्रॉस करता है तो ये शेयर यहाँ पर लगभग 20 से 25% के रिटर्न यहाँ पर आपको इजीली देता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर इस 430 के यहाँ पर लेवल एज वेल एज नीचे इसने सपोर्ट बना ही लिया है, मोस्टली यहाँ पर 370 का यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट है, और भी यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 390 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगेगा। एक राउंडिंग टॉप बना के यहाँ पर चीजें अब राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर घूमता है तो याद रखिए आप एंट्री ले सकते हो, और थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे खेलेंगे तो अच्छा पैसा बन सकता है। तो फिनोलेक्स एज वेल एज हमने कल यहाँ पर दिया था रेनू का शुगर से रिलेटेड हमने यहाँ पर बातें करी थी। यहाँ पर अपर सर्किट लग गया है, बट यहाँ पर चीजें आज के दिन में बड़ा इसमें भी खेल हुआ था, नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ नजर आया, क्योंकि ये मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी, स्टॉप लॉस बीट हुआ, बट दोबारा ऊपर जाती हुई दिखाई दी। अगर ये अपना आज जो कि मुझे लग रहा है कल मार्केट ओपन होगी तो 10 से 20% ये भागता हुआ नजर आएगा, और जो हमारे टारगेट इसके डबल के है ना, यहाँ पर जो 76 के है वो एज इट इज यहाँ पर वैलिड है, और यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप करते रहेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो इंडस्ट्री रेनुका की तरफ आप ध्यान दीजिए और एक ही दिन में 20% को एंजॉय करिए। इसके अलावा एक और स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, जिसका नाम है अतुल ऑटो। अतुल ऑटो की अगर हम बात करें, कुछ इसमें न्यूज भी थी एज वेल एज अगर हम यहाँ पर देखें तो ये शेयर अच्छा लग भी रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था, मैं इसे कल परसों यहाँ पर ट्रैक भी कर रहा था, इस वजह से ट्रैक कर रहा था क्योंकि ऑटो के नंबर काफी बेहतरीन आते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयरली ई बेसिस पे। तो यहाँ पर जब ऑटो के नंबर आए तो ऑब्वियस सी बात है अतुल ऑटो इसमें यहाँ पर नंबर वन है, ईवी से रिलेटेड भी प्ले है। तो एक लेवल यहाँ पर अगर ये क्रॉस करता है 216 का अगर ये लेवल क्रॉस करता है, और अपना ये खुद का हाई जो आज इसने बनाया था 209
209 को क्रॉस करता है, फिर उसके बाद 216 को क्रॉस करता है, तो ये सीधे 270 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर ये शेयर नीचे आता है तो पोजिशनल बेसिस पे आप यहाँ पर इसे कैरी कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर ये राउंडिंग बॉटम बना के चीजें देती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। आरती ड्रग्स की हम बात कर लेते हैं, आरती ड्रग्स भी यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है, इसने काफी पेन झेला है जिस तरीके से यहाँ पर ये शेयर भागा था, भागने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर ये नीचे आया है और लगभग ये शेयर कितना लगभग 60 से 70% यहाँ पर टूट गया था। एक यहाँ पर इसने बेस बनाता हुआ नीचे के लेवल पे यहाँ पर बेस बना दिया है और ऊपर के लेवल की बात करें यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है, बट एक एक लेवल है ये, अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है जो कि इसका आज का ही हाई है 4531, 531.40 लेवल, 535 को अगर ये क्रॉस करता है तो ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। शायद ये यहाँ पर 640 तक जा सकता है, और 640 को भी क्रॉस किया तो याद रखिए सीधे यहाँ जाएगा, और ये जिस तरीके से यहाँ पर ये राउंडिंग बॉटम बना के थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करके जा सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिम्फनी सिम्फनी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था जब गर्मी का स्टॉक्स बताया था, तो इसी तरीके से सिम्फनी भी यहाँ पर देखिए ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, और यहाँ पर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, अब लोअर हाई लो सॉरी हायर लो बना के चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है, तो सिम्फनी की तरफ भी ध्यान दीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। ओके, लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ पर ध्यान दीजिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आज के दिन में एक तो इसका जो परसेंटेज वाइज जो चेंज होता है वो चेंज हुआ है इसका अपर सर्किट लोअर सर्किट का, तो ये 10% का हो गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना रहा है ये, और इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है जो कि एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ 501 लगभग 501 502 को क्रॉस कर देता है तो सीधे ये शेयर 567 तक जाएगा और फिर उसके बाद ये 600 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है, तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान में देना है। ओके, आज के दिन में ये गिरावट हुई, थोड़ी सी अगर गिरावट होती है यहाँ मिलता है तो इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज देखिए, एंजल ब्रोकिंग के नंबर काफी बेहतरीन आए हैं, और जिस तरीके से नंबर का मतलब जो एडिशन हुए हैं कस्टमर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी उसी तरीके का काम करती हुई नजर आती है। एंजल ब्रोकिंग भाग चुका है, ये शेयर नहीं भागा है। ओके, यहाँ पर जब ये भागना शुरू करेगा एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, लगभग 1 साल हो गया, और अगले 3 महीने में मुझे ये सबसे पहले तो यहाँ पर 1000 का ये जो इसका 900 का लेवल है वो क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद और भी ऊपर के लेवल यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आएगा, और आने वाले 2-3 साल में जितने अभी अकाउंट ओपन नहीं है उससे ज्यादा अकाउंट ओपन होने वाले हैं, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पे ध्यान दीजिए, पोजिशन और लॉन्ग टर्म के पर्पज से यहाँ पर खेलिए इसे। इसके अलावा पारस डिफेंस अल डिफेंस के स्टॉक्स यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिए, अच्छे खासे यहाँ पर काम किया था, और यहाँ पर आज का लेवल 773 773 को अगर ये क्रॉस करता है तो इसमें एक रैली होती हुई दिखाई देगी जो इसे यहाँ पर लेके जाएगी 790 के आसपास, और 790 को भी अगर इसने क्रॉस कर दिया ओके, तो इसके बाद एक रैली होती हुई दिखाई देगी जो एक एक पॉइंट को करके इसे यहाँ पर 877 और शायद जो ऊपर का लेवल था वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नीचे के लेवल की बात करें तो 626 एक सपोर्ट है और सबसे अच्छा सपोर्ट 564 का है, तो ये सपोर्ट की बात करिएगा। बाकी नंबर अच्छे आ जाए, नंबर देखिए, फिर उसके बाद इन स्टॉक्स में आप बाइंग करने की सोचिएगा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स से रिलेटेड और बात करेंगे किर्लोस्कर। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर बताए जाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। किर्लोस्कर एक बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर नजर आता है, फंडामेंटल्स भी आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, बट यहाँ पर बात करें एक इसमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, यहाँ पर इसने इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस किया है 235 236 के आसपास का, और ये इस लेवल पे आया है, अगर ये अपना ये आज का ही लेवल जो कि कितना है 246.80 लगभग यहाँ पर 247 248 को यहाँ पर क्रॉस कर देता है ये अपने लेवल को, तो सीधे ये सबसे पहले 275 और 275 को भी क्रॉस कर देता है तो ये 315 पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, इसके शेयर की तरफ भी आपको दे रहा है ध्यान। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और स्टॉक से रिलेटेड हम बात करेंगे जिसका नाम है मनाली पेट्रोकैम्स। मनाली पेट्रोकैम्स की बात करें तो इसमें एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर अच्छा खासा शेयर भागता हुआ नजर आ सकता है, जो इसका आज का हाई है 128.5 लगभग 130 को ये क्रॉस करता है तो सबसे पहले ये शेयर यहाँ पर 134 पे जाएगा, और 134 को भी क्रॉस करता है तो 137 को जाएगा, तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, और कल मैं इस शेयर में शायद बाइंग कर सकता हूँ तो इस चीज को भी आप माइंड में रखिएगा।
तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, जितना हो सके सीखना है, सपोर्ट देखने हैं, रेजिस्टेंस देखना है। नीचे के लेवल को सपोर्ट कहते हैं, ऊपर के लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस है, किसी क्रॉस किया तो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। तो इसी तरीके से ये पिवट पॉइंट्स बना के आप यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।